यहाँ पे हर दिन शुरू हो चुके गोलगप्पे खाने हैं और कुछ है अरलीन। सो गाइस हम लोग नीचे आ गए हैं और गाड़ी में पूरा सामान लगा दिया है। हमें को इतनी हंसी आ रही है इनकी एनिवर्सरी ऑफ। तो यहाँ पे डुबू भैया को देख रहे हैं कि कब भैया खाना लाएंगे और हम खाएंगे। तो फाइनली हमें मिल गया वही वाला होटल जहाँ पे लास्ट टाइम हम रुके थे, सीधा यहीं पर आए क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी की पार्किंग भी है। ये देखो गाड़ी मेरे अंदर खड़ी कर रखी है। तो उनकी आज एनिवर्सरी है। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू गाइस। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी पापा मैं रेडी ये टैग के साथ न्यू शर्ट जो पहनी है उसको नीचे जाके कैंची सीजर से हम कटेंगे। यस, मम्मा गई हुई है पार्लर और आज हमने जाना है पापा मैरिज पे। मंसूरी में भी तो जाना है। आज हम जाएंगे मंसूरी गाइस। आज बहुत खुशी वाला दिन है। मैं सुबह जल्दी उठा था, 9:30 बजे कम से कम मैं उठ ही गया था। बहुत जल्दी होती है ना। हाँ जी, 9:30 तो बहुत जल्दी होती है। चलते अभी, मम्मा गई है पार्लर। पापा खोलना। तो बाहर निकल गए थे फिर अंदर आए। अब हमें यही नहीं पता जाना कहते किस पे एड्रेस क्या है, मेरे को दिखा जरा। सो गाइस अभी हम कार में आ चुके हैं। मम्मा भी बस आ रहे हैं 2 मिनट्स में। चले पापा चल रहे हैं, मम्मी को तो आ लेंगे। तो मैं कैसे लग रहा हूँ मेरे को ये बताना आप। आप मेरी तरफ से तो आपको 100 out of 100। यो आप पापा ने जैकेट की भी मैचिंग पहनती पर पापा की वो डाली मिल रही थी तो पापा ने अभी उतार दिया है, बाद में पहनेंगे। ठीक है, वहाँ पर जाके पहनोगे? नहीं नहीं वहाँ पे नहीं, वहाँ बैंकेट पे कौन पहनता है जैकेट। बैंकेट, हाँ वैसे ये भी बात सही है, बैंकेट पे जैकेट कौन पहनता है। अभी वेट करते हैं मम्मी की। तो यहाँ से अरलीन भी आ चुकी है पार्लर से रेडी होके। आपका सारा सामान रेडी करके गई थी पार्लर से। रेडी नहीं हुई गाइस, मैंने सिर्फ ना हेयर प्रेस करवाने थे। मैंने जो जप्पू के बर्थडे पे मेंबरशिप ली थी ना उसमें मेरी हेयर प्रेसिंग बची हुई थी। मैंने कहा फायदा उठा लेते हैं ना जप्पू। चलो चलो यार 12:30 हो गए। पता कितना बजे टाइम है बारात का? 11 बजे 12 बजे का फेरों का टाइम है। अच्छा कोई बात नहीं, साढ़े अपने रूल साढ़े अपने। और इसको देखो चश्मा पहन के तो प्यो दे ब्याह ते चले है ना। प्यो दे ब्याह ते कोई नहीं चले, पर भुआ दे ब्याह ते जरूर चले। तो मुझे लगा हम लेट है, 1:45 बज गए और अभी तक यहाँ पे बारात नहीं आई। और यहाँ पे अरलीन ने देखो अपनी सीट पकड़ ली है, जप्पू बैठा साथ में और वहाँ पे दही बल्ले वगैरह चालू है। तो इनको बोलते चलो दही बल्ले खाए, चले जप्पू गोलगप्पे खाने है और एक गोलगप्पे। चलो तो यहाँ पे अरलीन शुरू हो चुके गोलगप्पे खाने हैं और कुछ है अरलीन, पहले खा लो फिर बोलना। अभी दिख जाएगा आगे। तो जप्पू एक बार खा चुका दही बल्ले और दूसरी बार लेके आया टिक्की। जप्पू खाने तो आया है ना, बार पहली बार में शर्म आती जब कह रहा दूसरी बार में नहीं आती। गाइस अभी पापा आ रहे हैं लेके फ्राइज और वहाँ पे मम्मी ले रहे हैं अभी। मम्मी फ्राइज और स्प्रिंग रोल लेके, देखते स्प्रिंग रोल है भी नहीं है। ओए होए पूरी प्लेट ही भर ली है मम्मी ने, देखो यहाँ पे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, क्या लेके आए बताओ? मंचूरियन है। तो टाइम हो गया अभी 2:15 और अब आई है बारात है ना। अब वेट करें यहाँ पे रोटी की, बटर रोटी चलो अब खाए और हम जाए क्योंकि हमने जाना दूर। तो बारात देर कल देखो आनी शुरू होगी। तो अभी आ चुके थे घर पे और जैसे ही जाने लगे बोतल उठा लिए, देखो सामान सारा बाहर पैक है। तो उस टाइम याद आया कि व्लॉग रह गया, व्लॉग रह गया चले। और मैं बहुत को इश्यू सीरियसली बताओ, इतनी कुछ तो मैं शादी में जाने हम वहाँ पे लंच भी नहीं करके आए। वहाँ पे उनको बोला जाने के लिए, कहते लंच तो मैं लंच लूज का हमारे टाइम नहीं, हम लेट हो रहे हैं। 4 अभी बज चुके हैं, हमने जाने मंसूरी। तो उनको मैं गुरुद्वारा छोड़ा था फेरों के लिए, मैं तुम अपने फेरे फूरे कराओ तो मैं चलो। हमने स्नैक्स वगैरह खा लिए बहुत है, अब हम रात को रोटी देखें। तो अभी जाने लगे, अब गाड़ी में मिलेंगे वापस। बहुत ज्यादा खा के नींद भी आती रहती है। हां ज्यादा खा के ना नींद भी आती। चले फिर चलो फिर फटाफट चलो। सो गाइस हम लोग नीचे आ गए हैं और गाड़ी में पूरा सामान लगा दिया है।
हमें को इतनी हंसी आ रही थी इनकी एनिवर्सरी ऑफ, और हम लोगों ने इनको अप्रिशिएट नहीं करी। भैया कहते हैं तुम इतने गंदे हो ना, तुम लोगों ने हमें एनिवर्सरी तक विश नहीं करी। हैप्पी एनिवर्सरी। भैया कहते हैं अब मांगना पार्टी दूंगा तुम्हें अच्छे से। हैप्पी एनिवर्सरी। कभी ये बर्थडे पे भूल जाती है, कभी एनिवर्सरी पे भूल जाती है। तो अब हम निकलने लगे गाइस, रास्ते में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी इन्हीं से लेंगे। फिर भी बाय सोनिया दीदी, ध्यान रखना अपना, बाय बाय। चलो चले। तो मस्ती वस्ती करते हुए जा रहे हैं हम लोग। पहुंच कहाँ गए डुकू? पहुंच गए पानीपत से पहले। पानीपत से पहले दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। पता नहीं दूसरा, मेनू ना पहला पता ना दूसरा पता, केड़ा पहला रास्ता है केड़ा दूसरा रास्ता है। गाजियाबाद से होते हुए जाता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा जो हम पानीपत अपने पंजाब वाले रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, ये वाला रास्ता अच्छा है, बढ़िया है ना? ये हाईवे सबसे बढ़िया है पंजाब वाला। यहाँ पर ये नेवान देख रहे हैं। बड़ी मम्मा क्या बोल रही है, क्या आप कुछ बोलना चाहते हो? क्यों आप मतलब एक्साइटेड नहीं हो मंसूरी जाने के लिए? क्या करोगे वहां जाके? हाँ जी, पिछली बार ट्रॉली रह गई थी, ट्रॉली चला दो, कल टाइम से ट्रॉली। हाय गल सुन ले लारिया वे, आलोक मेरे ते हंस दे, जप्पू रोंदा पया है, करो आंदा ये बस सुन वास्ते। जप्पू कितना बढ़िया गाना ला दिया मैंने। और इस महाराज जी को चाहिए नॉमिन, कहता हेलो नॉमिन दे जाओ। मैंने क्या खाना है की? ये बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि गाइस 24 घंटे इसके नाक पे एटीट्यूड चढ़ा रहता है, जो कि मुझे लगता नहीं उतरने वाला कभी। तो नॉमिन नॉमिन भी नहीं खिलाएंगे तेरे को। जब आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, उस टाइम हम मंसूरी रहेंगे। यार कोई तो मिल लो हमको मंसूरी में। देखो कोई तो मिल लेना मंसूरी में हमको। कोई नहीं रहता, नहीं रहता कोई मंसूरी। कोई मंसूरी रहता हुआ ना, जब आप ये व्लॉग देखोगे तो हम मंसूरी होएंगे, ठीक है? अगर आपका जी करे ना हमको मिलने का। वैसे तो हम इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं नहीं जिनसे कोई मिलने आएगा, पर अगर आपका जी करे तो आप आ जाना। ओके चलो बाय बाय। तो एक बार अब आ चुके हैं दोबारा, पहले तीन चार बार आया मैं ये यूपी का इंडिया गेट। तो पूरे रास्ते यहाँ पे फॉग हो रही है और देहरादून पहुँचने का टाइम आ रहा है 11:15 और 9:30 बज चुके हैं। काफी देर से फॉग हो रही थी, 44 किलोमीटर रह गए। गाड़ियों के पीछे पीछे लग के जा रहे हैं आराम आराम से। अब प्रोग्राम ये बना है, मंसूरी जाएंगे सुबह, यहीं पे होटल लेके स्टे करेंगे। तो फाइनली टनल आ चुकी है देहरादून की, इसे 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर रह गए यहाँ से टनल। और पूरी फोग में गाड़ी चला के लगा, पहले मैंने किसी के आगे लगा रखी, वो बेचारे साइड खड़े हो गए, फिर मैंने चलाई धीरे धीरे, फिर लोगों ने मेरे पीछे लगाई, फिर करते करते फिर मैं ले ही आया। वेलकम टू उत्तराखंड, उत्तराखंड में हमारा स्वागत है। साथ में कैमरे भी लगे हुए हैं, शहर में आ चुके हैं। तो अभी रुके डोन दरबार में रोटी खाने के लिए, चले जल्दी रोटी खाने है? हम पूरी पहाड़ी चढ़ के हैं, दरों हमें मिली नहीं यहाँ पे कोई भी फोक, सिर्फ रास्ते में मिली थी। तो अब हलिन चले फिर, अभी मैं तो करूँ टाइम वेस्ट क्या कर रहा है, चले अभी चलेंगे फिर हम मंसूरी, बाकी रोटी खा के देखते हैं। तो यहाँ पे डुबू भैया को देख रहे हैं कि कब भैया खाना लाएंगे और हम खाएंगे, क्योंकि बहुत तेज वाली भूख लगी है और हमने ना आज सुबह से खाना खाया ही नहीं है, स्नैक्स खाया है और अब बहुत तेज वाली भूख लग गई है। तो अब हम लोग रुके हैं क्योंकि पहले हम लोग का डिसाइड था कि हम जिस हिसाब से रास्ते में फोक थी ना, तो हमने यही सोचा था कि हम देहरादून स्टे करेंगे, पर अभी हम देहरादून स्टे नहीं करने वाले हैं ना, मंसूरी निकलेंगे ना भाई, क्योंकि फिर सुबह आराम से उठ जाएंगे। अगर यहाँ रुकेंगे तो सुबह जल्दी होगी उठने की, फिर डिसाइड करते हैं ना, ठंड ज़्यादा लगेगी तो रुक जाएंगे, ठंड कम लगेगी तो चले जाएंगे धाड़ से। तो हम तो रोटी खा के उठ चुके हैं, जब यहाँ लगा और ये अभी भी रोटी खाने में लगे हुए। अरे और मंगाओ रोटी भैया, तीन रोटी और लगवा देना इनकी, जल्दी खाओ फिर फटाफट। जैसे अमृतसर में एक ही तरह के बोर्ड लगे ना, ऐसे यहाँ पे देहरादून में एक ही तरह के सारे बोर्ड लगे हुए हैं। ये हमारा सामान, और एक ट्रेजिडी भी हो गई थी, ये मेरी रेड वाली अटैच थी ना, कि बाहर की तरफ लटक गई थी, रस्सी थोड़ी गलत बनी तो मैंने हैंकी बांध के फिर लाया हूँ मैं। ये है देहरादून का फेमस मंदिर श्री प्रकाश महादेव मंदिर। तो फाइनली 1:15 पहुंच चुके हैं हम मंसूरी। अब जा रहे हैं रूम देखने के लिए जहाँ पे हम पिछली बार रुके थे, ऐसी अग्गे सी आगे था होटल हमारा।
तो फाइनली हमें मिल गया वही वाला होटल जहाँ पे लास्ट टाइम हम रुके थे। सीधा यहीं पर आए क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी की पार्किंग भी है। ये देखो गाड़ी मेरे अंदर खड़ी कर रखी है और सेम वही रूम मिला है जो रूम मैंने पहले लिया था। वही नंबर वही रूम दो रूम वही मिल गया है 2 साल पहले। मैं क्या वहीं चलेंगे, होटल भी बढ़िया था और सिस्टम भी सीख था यहाँ का। तो अभी आप करने लगे रेस्ट, अभी आपको अंदर जाकर रूम दिखाता हूँ मैं। तो चाहते हुए अपनी रूम की तरफ चलो 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 चलो, ये शुक्र है कि धक्के नहीं खाने पड़े। नहीं, ये है रूम इनका, ये वाला, ये रूम हमारा, देखो बिल्कुल साथ साथ। चलो ये वॉशरूम देख लो गाइस। अच्छा जप्पू यहाँ पर आके लेट भी चुका है। ये बेड, ये चेयर, पानी, अटैची, चप्पल, जूते, टीवी, हर लीन। तो अभी जस्ट बेड पे हूँ मैं और सोने लगी थी। तो सोने से पहले आप सबको पता ही है कि फ़ोन चलाए बिना तो नींद वैसे भी नहीं आती है। तो मैं अभी ना कमेंट्स रीड कर रही थी, आधा घंटा पहले डुगू की बात हो रही है, अमन सचदेवा नाम की आईडी है कोई, उनसे। तो उन्होंने हमको आज मिलने आना था, मंसूरी, पता नहीं मिलने आना था कि उन्होंने भी मंसूरी आना था, जो भी था है ना, पर उनकी फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया, दैट्स वाई वो नहीं आ पाए। इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है। आपने मैसेज किया, आप लोग कमेंट्स करते हो और आप व्लॉग देखते हो, वही बहुत बड़ी बात है। तो उनकी आज एनिवर्सरी है। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू गाइज। लव यू अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। तो हरलीन कैसा लगा? वही रूम, पहले वाला रूम, वही फीलिंग, वही चीज नया हमने ढूंढा नहीं। टाइम भी लगता है लेकिन शुक्र है कि टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। और भैया कह रहे अभी आप लोगों से ये रस्सियां नहीं ना खुल रही थी, एक सेकंड में अरलीन आधी में खोल के चला गया था। और भैया कह रहे वो अभी सीजन ये भी सीजन है, 26-27-28 को सीजन है। वैसे हम सीजन में आकर भैया फिर डबल डबल रेट मांगते ना। तो ठीक है भाई, जब कर देते इस वीडियो को एंड। 3 दिन हम यहाँ पे है, शुक्र हम देहरादून नहीं रुके। टाइम भी वेस्ट होता, फिर सुबह जल्दी जल्दी उठ के हमें तैयार होना लग पड़ता, फिर ये सब उठते नहीं। और इतना बढ़िया रास्ता गया ना, इतना कोई मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं हुई ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोटी भी खा ली, सब कुछ हो गया, रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो आज का लोग यहीं तक था, कर दे इस वीडियो को एंड। टाटा बाय बाय, कल आपको दिखाएंगे मंसूरी की झलक मॉल रोड और हल्ली में कराएगी शॉपिंग। अच्छा नहीं, हांजी कहीं होता है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। जप्पू जप्पू के तो आगे नहीं इधर। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata, bye bye.